खबर शिवपुरी से है, जहां सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी ट्रेनिंग सेंटर पर मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग द्वारा गोपाल पुरस्कार योजना का किया गया कार्यक्रम। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को फरवरी के माह में किया जाता है, जहां जिले के समस्त ब्लॉक क्षेत्र से अपनी अपनी गायों को लाकर इस प्रतियोगिता में शामिल करते हैं, जहां 3 बार का दूध उत्पादन एकत्रित करके और जिस गाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है उसको प्रथम पुरस्कार दिया जाता है, जहां 19 गायों का रजिस्ट्रेशन हुआ। कार्यक्रम में उपसंचालक पशुपालन विभाग डॉक्टर MC तोमोरी द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें मस्तराम रावत निवासी बामोर को प्रथम पुरस्कार मिला, जिसमें उनकी गाय द्वारा 27.500 लीटर दूध उत्पादन किया गया, जिसमें उनको 51,000 रुपये की राशि दी गई। गोपाल गुर्जर निवासी बड़ागांव को द्वितीय पुरस्कार मिला, जिसमें उनकी गाय ने 27 लीटर दूध का उत्पादन किया, जिसमें उनको 21,000 रुपये की राशि दी गई। तृतीय पुरस्कार विजय सिंह गुर्जर निवासी पटपारा को मिला, जिसमें उनकी गाय ने 26 लीटर दूध का उत्पादन किया और 11,000 की राशि उनको दी गई। मोनू नामदेव, शिवपुरी। सर, मेरा नाम विजय सिंह गुर्जर है। किस कार्यक्रम के तहत आप लोग? सर, हम गोपाल पुरस्कार योजना के तहत यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ आप ये गाय के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कुछ ये नस्ल है, किस नस्ल? सर, ये साहिवाल नस्ल की गाय है। क्या कुछ मतलब इसका कितनी क्या दूध? सर, इसका दूध उत्पादन 18 लीटर प्रतिदिन का है सर, दोनों टाइप का मिला के। ये प्रतियोगिता हुई थी किस स्थान पर? सर, अपना तीसरा स्थान है इसमें। इसमें लगभग कितने दूध, कितना लीटर दूध? सर, अपना तीनों टाइम का दूध 26 लीटर है। और क्या कुछ पुरस्कार आप लोगों को मिला? सर, हमको 11,000 रुपए का पुरस्कार मिला इसमें। और क्या बताना चाहेंगे आप, थोड़ा बताइए अपने बारे में। नहीं सर, यही है, हम ग्राम पटपरा तहसील जिला शिवपुरी, ग्राम पटपरा पोस्ट गढ़ी पर तहसील जिला शिवपुरी से आए हुए हैं, ग्राम पटपरा से। सर, जानकारी कैसे मिली? सर, इसकी जानकारी हम डॉक्टर द्वारा मिली। कैसे मतलब? सर, डॉक्टर से संपर्क, हॉस्पिटल में आए तो वहाँ से डॉक्टरों ने जानकारी दी कि गोपाल पुरस्कार है, इसमें आप अपनी गाय को ला सकते हो, 3 दिन की दूध मिलकर होगी उसमें। सर, खाना माना क्या कुछ दिया जा रहा था 3 दिन को? सर, इनको यहाँ से तो भूसा और जे वो खल मिली है सर, वो वाली बस, और कुछ नहीं मिला यहाँ, सोदाना वाली खर मिली है। उसी के आधार पर क्या मतलब ये जो अंदर खाके जो भी दूध का उत्पादन कर रहे थे क्या? यस सर, उसी को खाके और अपना जो घर का खिला है। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल गुर्जर। कहाँ से आए हो? बड़ागांव। अच्छा, कार्यक्रम के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? गुप्ता जी से। कैसे? उनके पास आते जाते हैं हॉस्पिटल, उनने बताया था कि मतलब मेला का वो पुरस्कार का। तो क्या कुछ इसका परिणाम रहा, मतलब क्या पुरस्कार आपको मिला? हमको 21,000। कौन सा? द्वितीय? दूसरा नंबर। कैसा लग रहा है? बड़ी गाय के बारे में थोड़ी जानकारी ना, कि आपकी गाय किस नस्ल की है? साहिवाल। साहिवाल, क्या उत्पादन है मतलब इसका, क्या है दूध डेली का? उसका दूध है 16-17 के बीच में रहता। टोटल कितना दूध उसने उत्पादन किया था? 27 लीटर। 27 लीटर। क्या नाम है तुम्हारा? मस्तराम। पूरा नाम? मस्तराम रावत। कहाँ से आयो? बामोर। कहाँ पड़ता है? जे सड़क से पड़ता है, कुश्यारा पंचायत। आप ये जो कार्यक्रम में आए, किस कार्यक्रम में आप आए हुए? गोपाल पुरस्कार। कौन सी गाय है आपकी? हमारी गाय गिर। तो आपको कैसे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी हुई? जानकारी डॉक्टर द्वारा जानकारी मिली इस कार्यक्रम की, उसी में ही अपन ने वही हिसाब से अपनी तैयारी करी, अपनी गैया खिलाई पिलाई करी, उसी हिसाब से लगाई। क्या कुछ आप अपनी गाय को खिला पिला रहे थे 3 दिनों में? नहीं, वही चारा ही खिलाते हैं और बांट बांट। कितना लीटर दूध गाय ने दिया होगा? गाय ने 9-9 लीटर निकाला अभी। टोटल कितना लीटर हो गया होगा दूध जिसके जिसके लिए आप लोग विजेता हुए? क्या कुछ टोटल? 27.5 है। 27.5। कितना क्या आपको पुरस्कार मिला हुआ है? 51,000। सर, आज जो ये कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ ये सर कार्यक्रम? ये उन्नत नस्ल की देसी गायों का जो है गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता थी, ये पिछले 3 साल से बंद थी। पहले गाय और भैंसों की दोनों की होती थी, पहले विकासखंड स्तर पे होती थी, विकासखंड स्तर से जिला स्तर पे जो है कर रहे हैं, और विकासखंड स्तर पे जो मेरिट में आते थे उनको जो है पशुओं को जो है जिला स्तर पे बुलाया जाता था, और उसमें से जो है 10 पशुओं की जो प्रतियोगिता होती थी जो है पहले। अभी शासन ने जो ये 3 साल बाद फिर से प्रतियोगिता चालू की है, तो गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता कहते हैं। इसमें जिला स्तर पे ही जो है सभी जो विकास खंडों से पशु बुलाए हैं, 19 पशुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था,
जिसमें से 10 पशु हमने मेरिट के आधार पर जिनका दुग्ध उत्पादन जो है 6 लीटर से ऊपर था जो है ना सभी का जो है, तो उनकी मेरिट लिस्ट बनाई है जो है, मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है 10 पशुओं को जो है हमने पार्टिसिपेट करवाने के लिए जो आमंत्रित किया है जो है। तो ये 3 टाइम का दूध कल जो है सुबह और शाम का और आज सुबह का 3 टाइम का दूध जो है, एक एवरेज जो उसमें 3 का भाग दिया जाता है, जो एवरेज आता है वो पर डे का दूध जो है निकलता है, उसी के आधार पर जो है प्राइस हम जो है डिसाइड करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 3 गाय हमारी जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है, बाकी को हमने सबको सर्टिफिकेट दिया है जो है 3 दिन से हम जो है ये हमारी जो 3 जो है दूध को जो है यहाँ नपवा रही थी अपने सामने जो है। और ये प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य ये है कि किसानों में जागरूकता हो, गाय के प्रति जो है किसानों में जागरूकता बढ़े जो है, अच्छे पशु पाले जो है, उनको पता लगे कि भाई जो है ना हमारी गाय पे जो है प्राइज मिलना है हमें जो है। पिछले साल भी जो है शिवपुरी जिले से 3rd नंबर पे एक गाय गई थी, तो हमारे लिए गौरव की बात है जो है कि हमारा जिला जो है सोचिए आप जो है स्टेट में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जो है एक आध गाय जो है हमारी जो है राज्य स्तर पे भी जो है भाग लेगी। सर इसमें कहाँ कहाँ की जो गायों को इसमें अपने पार्टिसिपेट करवाया? एक्चुअल में क्या है 2-3 ब्लॉकों से जो है क्या है कि 6 लीटर जो है से दूध तो ऊपर था जो है, लेकिन उन्होंने आने में जो मना किया, जैसे खनिया दाना पिछोर करेरा ना, तो यहाँ से नहीं, बाकी जो है सभी ब्लॉकों से जो है गाय आई है, एक एक दो दो जो है। यहाँ शिवपुरी की गाय ज्यादा है, शिवपुरी की गाय ज्यादा है क्योंकि लोकल है, लाने में भी कोई ज्यादा नहीं है। और इसमें 3 दिन का हमने जो है इनकी पशुपालकों की व्यवस्था की, गायों के रुकने की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, और उनकी गायों के लिए भी पशु आहार वगैरह दे रहे हैं हम जो है। तो 3 दिन यहाँ जो है प्रतियोगिता में भाग लिया सभी ने।